नमस्कार, आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आज लफ्ज नामक कविता संकलन के साथ उपस्थित हूँ। इसके रचनाकार हैं संजीव कुमार शर्मा। लफ्ज कविताओं का कारवान, यह नाम है इस पुस्तक के ऊपर। संजीव कुमार शर्मा पेशे से खाद्य वैज्ञानिक हैं, भागलपुर बिहार से ताल्लुक रखते हैं, बहुराष्ट्रीय चॉकलेट कंपनी में काम करते हैं और इस कविता संकलन में उन्होंने कई अध्यायों में अपने भावों को रखा है, जैसे जिंदगी से कुछ बातें, वतन के सजदे में, मोहब्बत की स्याही से, उस दौर की बातें, ठहरे लम्हे, मुरझाए पल, कुछ मुख्तसर बातें। अब हर सेक्शन से मैं कुछ न कुछ आपको पढ़ देता हूँ। पूरी कविता तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कुछ कविताओं के अंश जरूर पढ़ूंगा। जिंदगी से कुछ बातें में हाथ की लकीरें एक कविता है। हाथ की लकीरों को देखकर माँ की वो पोटली याद आ गई जिसमें रंग बिरंगे ऊन के बचे हुए गोले रहते थे, कुछ बड़े गोले, कुछ छोटे। कुछ गोले बैगनी रंग के थे, कुछ धानी रंग के, कुछ सतरंगी भी होते थे, मगर सारे के सारे आपस में उलझे हुए। एक डोरी को सुलझाना चाहूं तो दूसरी उलझ जाती, जोड़ से खींचूं तो टूट जाती, और गलत छोर को खींच लिया तो गांठें भी पड़ जाती थी। वतन के सजदे में उन्होंने जो कविताएं लिखी हैं उनमें देश के वीर सपूतों के लिए, एक नए महाभारत का फिर गूंज रहा सिंहनाद है, भारत के कण कण में तड़प रहा प्रहलाद है, कोई कृष्ण है नहीं, पांडव अकेला है, वीर सपूतों के चारों ओर कौरवों का मेला है, सीमाओं पे गोली खाते, घाटियों में पत्थर हैं, जंगलों के सीने में ये खून बहाते अक्सर हैं, बेबस भीष्म दिख रहा समझौतों के तीर पर, व्याकुल माता रो रही हर दिन खोते वीर पर, हैं सर्वश्रेष्ठ अर्जुन ये पर बन गए अभिमन्यु हैं, कहीं राजनैतिक तो कहीं कूटनीतिक चक्रव्यूह हैं। इसी तरह से मोहब्बत की स्याही से मैं एक कविता है, रूहानी मंजर। वाह वो क्या रूहानी मंजर था, बाहों में तुम थी और सामने समंदर था, दूर फैला फकत आब था, उफूक में छुप रहा आफताब था, आसमान लाल हिजाब ओढ़े ही था कि चांद भी निकलने को बेताब था, वाह वो क्या रूहानी मंजर था, बाहों में तुम थी और सामने समंदर था। उस दौर की बातें में इन्होंने एक कविता नई उड़ान की है। नए हाथ में कमान है अब लेनी नई उड़ान है, बस दिशा की कमी थी वरना यहाँ काबिल हर इंसान है, उड़ान से पहले हमें भी दौड़ना होगा, सिर्फ ख्वाब नहीं देखने हमें, उनके साथ हमें भी जागना होगा, शहीद कई हुए जंग आज़ादी में, जियो तुम देश के खातिर ये उनका आह्वान है, नए हाथ में कमान है अब लेनी नई उड़ान है। ठहरे लम्हे में जो कविताएँ हैं उनमें मेरा गांव, चिड़ियों की चहचहाट, कलियों की मुस्कराहट, सूखे पत्तों से आती मेरे पैरों की आहट, इनके सिवा वहां कुछ और न था, पेड़ों पे लदे रंग बिरंगे फूल, टिमटिमाते जुगनुओं का शोरगुल, धरती के आंचल में सिमटी धूल, इनके सिवा वहां कुछ और न था, कहीं दूर बल्लों पर पड़ती गेंद की आवाज, उसी जगह से आते कुछ धुधले अल्फाज, कुदरत और इंसान के छेड़े ये साज, इनके सिवा वहाँ कुछ और न था। अब जो आखिरी इस में अध्याय है, कुछ मुख्तसर बातें से मैं कुछ शेर इसमें उन्होंने रखा है, जैसे हर लम्हे में एक नया किरदार बना लेता हूँ, जिंदगी को थोड़ा और मज़ेदार बना लेता हूँ। एक वाक्य है मुख्तसर बातें में, कभी लिख कर तो देखो आखिर किस्मत ही तो है।
कभी लिख कर तो देखो, आखिर किस्मत ही तो है। एक और पंक्ति इससे लेता हूं। बंदिशें हैं मगर हौसलों की कमी नहीं, है कैद में दिल मगर धड़कने थमी नहीं। और आखिरी इस संकलन की पंक्तियां हैं। कई तमन्नाओं के पीछे कई साल गंवा दिए मैंने, फिर सोचा कुछ और तमन्ना कुछ और साल से ही। लफ्ज संकलन में 112 पृष्ठ हैं, 169 रुपये इसका मूल्य है और इसे राजमंगल प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। इस संकलन को खरीद कर आप संजीव कुमार शर्मा नए कवि का उत्साह बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कविताओं पर आधारित हमारा यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आप पुस्तक प्रेमी हैं तो बुक कैफे में एक दिन एक किताब में हम हर दिन किसी न किसी पुस्तक की चर्चा करते हैं। कविता प्रेमी हैं तो हर शुक्रवार को इस कार्यक्रम को देखना ना भूलें। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं, इससे हमें बल मिलता है कि हम किस तरह के पुस्तकों की चर्चा इस कार्यक्रम में करें। अगर आप प्रकाशक हैं तो 2 प्रतियों में अपनी पुस्तकें भेजना ना भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।